देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, घातांक के कुछ आपको नियम बताए थे, बराबर है क्या? 9-10 फॉर्मूले थे, एक बार मैं रिवीजन करता हूँ, इसके बाद कर्मी के भी कुछ नियम बताता हूँ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं बच्चों, ठीक है? देखो घातांक और कर्मी के ऊपर एक बात ध्यान रखना, घातांक और कर्मी के नियम सिर्फ गुना और भाग पर लागू होते हैं, किसके ऊपर? गुना और भाग के ऊपर, प्लस और माइनस के ऊपर घातांक और कर्मी के नियम लगते नहीं है। तो सबसे पहले नियम बच्चों देखेंगे, जब दो समान आधार वाली संख्याओं का गुना हो, जैसे कि a गुना में a, ठीक है, दोनों का आधार क्या है? समान, इनकी पावर अलग अलग होगी, समझ के चलो, इसकी पावर दी है m और इसकी पावर दी है n, तभी इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि जो घातांक होते हैं उनका योगफल होता है, क्या होता है? योगफल, मतलब उनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे a की पावर आ जाएगी m प्लस में n, ठीक है, पहला नंबर का कंडीशन। दो नंबर का कंडीशन देखेंगे बच्चों, जब दो समान आधार वाली संख्याओं का भाग हो, क्या हो? ठीक है, तब उनके पावर का क्या होता है पता है? माइनस होता है, क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, मतलब यहाँ पे ए का पावर हो जाएगा एम माइनस में एन, क्लियर हुआ? नियम बच्चों ध्यान से समझते चलो, बेटा विद्या बाद में लिखना पहले समझ ले, ठीक है, इसी को जो लिखा हुआ ना इसी सवाल को इस तरीके से लिखते है, ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन, ठीक है, इसका मतलब भी भाग ही होता है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग किया गया है, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू वही आ जाएगा a का पावर m माइनस n, ये क्लियर हो बच्चों? समझते चलो, तीन नियम हो गए, दो नियम हो गए, तीन सुन लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? एक आती है, क्या आती है? एक आती है, ये बात ध्यान रखना, करेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा। चार नंबर में जो दिया गया है सूत्र या फॉर्मूला समझो, ठीक है, किसी भी संख्या का पावर एक दिया हो और उसका वापस से पावर दिया हो तो उनका क्या होता है बता दो? उनका मल्टीप्लाई होता है, पावर का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना होता है, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा? ए का पावर एम गुना में, ठीक है बच्चों? इसी को ना एक दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाता है, यही सवाल है एक दूसरे तरीके से आता है, पांच नंबर में समझो, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों पता है? किसी भी संख्या का अगर पावर दिया है, ठीक है, और उसका पावर दिया है तो इस कंडीशन में उनका गुना होता नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका वर्ग का वर्ग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए, अगर किसी संख्या का समझ के चलो यहाँ पे लिखा है 5 का वर्ग का घन, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे देखेंगे ये सवाल और ये सवाल दोनों अलग रहे, दोनों कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, यहाँ पे ब्रैकेट करके पावर दिया गया है, ये सुनो, इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे ब्रैकेट दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या दिया है कि 5 का स्क्वायर दिया है और जो ऊपर 2 पावर है ना उसका भी घन दिया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे बच्चों कि 5 का जो वर्ग है ना पहले वर्ग का घन करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग का घन, तो यहाँ पे 2 का घन कितना होता है? 8, मतलब 5 की पावर कितनी आ गई? 8, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे देखेंगे, किसी भी संख्या की पावर निगेटिव में हो, इसमें हो निगेटिव माइनस में हो, तब क्या करते? जो आपका आधार होता है उसको व्यस्त कर देना, क्या कर देना? व्यस्त। अब ए को व्यस्त कैसे करेंगे बच्चों बता दो? देखो किसी भी संख्या का अगर हर कुछ ना हो तो उसका हर कितना होता है? एक होता है, उसका मतलब ये जो लिखा है ना वो एक्चुअली ए बटे एक लिखा हुआ है जिसकी पावर दी गई है माइनस से, लिखने के लिए बता रहा हूँ, और इसको जब आप आंसर लिखने जाओगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/a और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एम प्लस में हो जाएगी, जो माइनस थी वो क्या हो गया? प्लस हो गया, क्लियर हो बच्चों? इसमें कुछ सोचा? ठीक है, 7 नंबर का देखेंगे फॉर्मूला। 7 नंबर में क्या होता है? जब कोई 2 संख्याएं अलग अलग आधार वाली संख्याओं का गुना हो, उनका कुछ पावर दिया हो, कोई भी संख्या एक पावर होगी तो इसका मतलब होता है दोनों का पावर वही संख्या है, दोनों का पावर वही संख्या है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ए का पावर एम और बी का पावर भी क्या हो जाएगा? ये रहो बच्चों 8 नंबर का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, तो 8 नंबर में ऐसा होता है बच्चों, 2 संख्याएं अगर भाग में हो इस तरीके से लिखी हो और उनकी कोई पावर भी हो तो दोनों का पावर वही संख्या होती है, मतलब a का पावर m होगा भाग में b का पावर भी m होगा, ये क्लियर हो बच्चों? इसमें कोई लोचा है अभी तक? एक मिनट के अंदर लिख लो जो नए बच्चे हैं। हाँ देखो
यहाँ पे बच्चों किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, एक आती है। क्या आती है? एक आती है। ये बात ध्यान रखना, करेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे आना बच्चों, बातें नहीं करेगा भाई। देखो इसमें ना नौ नंबर का फॉर्मूला देखो, अगर यहाँ पे a की पावर m बराबर में a की पावर n भी होगा, दो समान आधार वाली संख्याएं बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो घातांक होता है वो भी बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर में n। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। मैंने क्या बोला, जब दो समान आधार वाली संख्याएं बराबर हो तो उनके पावर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और 10 नंबर पे देखेंगे बच्चों, सेम सवाल को ही दो तरीके से बताया गया है। यहाँ पे 10 नंबर में यहाँ पे क्या दिया गया है, इनके ना जो आधार है वो अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझो, यहाँ पे दोनों का आधार समान था तब दोनों के पावर समान कर दिए। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है, दोनों के जो आधार है वो अलग अलग है लेकिन यहाँ पे क्या, पावर समान है दोनों के। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पता है? देखो यहाँ पे a का पावर m दिया है और b का पावर m दिया है, तो जब दोनों के पावर समान हो गए तो जो आधार होता है वो भी उस कंडीशन में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब याद रखना, तब यहाँ पे a बराबर b होगा। ये दो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं, दोनों के पावर समान भी है तो आधार समान होते हैं, दोनों के आधार समान है दोनों के पावर समान हो गए। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो पता था, चलो ये दो लिखो फटाफट। देखो अगला, अभी यहाँ पे जो करनी के नियम देखेंगे, किसके करनी के नियम ध्यान में देखो, करनी के नियम ये थोड़े से डाउटफुल होते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं अपने को, ठीक है, परेशान करेंगे। देखो सबसे पहली बात, ये जो रहता निशान ये क्या होता है, करनी का होता है। ठीक है, अपने यहाँ गांव की भाषा क्या बनता, चमचा, क्या बनता, चमचा। ये करनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, इसको ही आप लोग बोलते हो रूट। ठीक है, ये मत बोलना कि आप रूट गए हो, ये रूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये रूट है, करनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करनी। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, देखो इसको कई बार आप लोग वर्गमूल भी बोलते हो, क्या बोलते हैं, देखो ये जो रहते हो ना, ये करनी रहती है, करनी जो यहाँ पे संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। ये बात ध्यान रखो, कोटि की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अब यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होता है, दो होता है, जहाँ पे कुछ नहीं उसका मतलब दो होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं, वर्गमूल, क्या बोलते बेटा, वर्गमूल, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर यही सवाल ऐसे लिखा रहता और यहाँ पे तीन होता तो क्या होता है, ये क्यूब रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं घनमूल, क्या बोलते हैं, घनमूल। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके अंदर हमने समझ के चलो a लिखा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर रूट और a का क्यूब रूट, इतना समझ आया। अब जब इसको ना वर्ग के रूप में लिखते हो, घातांक के रूप में लिखते हो, तो ये जो कोटि होती ना यही उसका पावर होता है। कैसे होता है बताओ, देखो ये बात ध्यान में रखना, a होता है इसका बेस, क्या होता है, बेस, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसका पावर कितना होगा पता है आपको, जिस संख्या का कुछ भी पावर नहीं होता उसका पावर कितना होता है, a। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, थोड़ी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस संख्या का पावर कुछ नहीं होता उस संख्या का पावर एक होता है, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। ठीक है, यहाँ पे भी जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ये होती है उसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों a लिखा है तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, a। अब ये बात ध्यान में, जितनी कोटि की कीमत होती है, कोटि वो आती है यहाँ पे डिवाइड में, इसमें आती है डिवाइड में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बटे दो। अगर किसी भी संख्या की पावर एक बटे दो है तो ये समझ के चलना उसका निकालना है वर्गमूल, क्या निकालना है, वर्गमूल। ये बात समझ के चलो, किसी भी संख्या का अगर पावर एक बटे दो है, हाफ पावर दिया है, 0.5 पावर दिया है, तो उस कंडीशन में उसका निकलेगा वर्गमूल, क्या निकलेगा, वर्गमूल। और किसी संख्या का अगर कोटि दिया है 3, यानी कि घनमूल निकालना होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a की पावर कितनी हो जाएगी बता दो, एक बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बटे में 3, मतलब इसका निकालना है घनमूल।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखो। तो पहला नियम यही है बच्चों आपका, पहला नियम ये होता है अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू रखी है तो रूट का कोटि मतलब ऑर्डर कितना है वो देखना है, उसका वही वैल्यू निकालना है आपको। समझ आया? अगर ए की पावर एक बटे दो इसका मतलब उसका निकालना है वर्गमूल। अब लिखने का तरीका बताता हूँ, जो चार लिखा है बच्चों चार को कितने तरीके से लिख सकते हो, देखो चार को लिख सकते हो दो का वर्ग लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो चार का वर्गमूल लिख सकते हो ना। देखो चार को दो का वर्ग भी लिख सकते हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो चार को अंडर रूट के अंदर लिखोगे कितना आ जाएगा, सॉरी दो लिखेंगे तो क्या आएगा, सोलह आएगा, उसके अंदर क्या आएगा सोलह, यहाँ पे क्या आ जाएगा सोलह आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा सोलह आ जाएगा, क्योंकि सोलह का वर्गमूल कितना होता है चार, ये सब बराबर करके लिख रहा हूँ। और इसको और क्या लिख सकते हो, सोलह का पावर एक बटे में दो लिख सकते हो क्या, ये जो चार चीजें लिखी है चारों चीजें एक ही लिखी हुई है, ये सब बराबर में होगा, किसमें होगा बराबर में होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये बराबर है इसके, ये बराबर है सब, यहाँ पे आपको वही तो पता है अगर किसी संख्या का वर्गमूल करना है तो उसकी पावर एक बटे दो आती है, तो उसका स्क्वायर लगे फिर उसे बनता है किसको, मतलब आपने चार का स्क्वायर लिया ना वो सोलह, चार का स्क्वायर सोलह लिया, सोलह का वर्गमूल बताया। देखो मेरे बोलने का मतलब क्या है, देखो अगर सोलह का वर्गमूल निकालते हो तो क्या आंसर आएगा चार आएगा, तो इसके बराबर तो है मेरे, ये है ना ये दोनों बराबर है, समझ में आया, मैंने चार को ना चार तरीके से लिख के बताया है, समझ में आया, किसी संख्या का अगर अंडर रूट लिखा उसकी वैल्यू चार आ जाएगी, अगर इसी को आप लिखने जाओगे ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सोलह की पावर एक बटे में दो, इसका मतलब भी वही हो जाएगा कितना चार, ये बात समझो, ये बात समझोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे सवाल आगे के, क्लियर हो बच्चों, चलो इतना ही को फटक से याद ध्यान दो, ये नियम के बाद दो नंबर का नियम याद रखना बच्चों, दो नंबर का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि अंडर रूट के अंदर इसका ऑर्डर कोई भी रहने दो, ठीक है, इसके अंदर दो संख्याएं लिखी है इसका मतलब ये दोनों का जो ऑर्डर है ना जो कोटि की कीमत है वही है सेम है, मतलब इसको आप और भी कैसे लिख सकते हो पता है, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में ए इंटू में अंडर रूट बी, ये समझ आया मुझे, अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंडर रूट अलग अलग होता है, कई बार क्या होगा कि आपको ऐसी संख्या मिलेगी कि एक वर्ग संख्या होगी और एक अभाज्य संख्या होगी, तो वर्ग संख्या को अलग करने के अंदर डाल देना उसका वर्गमूल निकाल के आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आठ अंडर रूट के अंदर, ठीक है एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आठ लिखा है बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो दो गुना में चार लिख सकते हो क्या, ठीक है, अब इसको करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट में टू इंटू अंडर रूट में फोर, अब चार का आप वर्गमूल निकाल पाओगे क्या होता है टू, तो टू अंडर रूट में टू इसका आंसर आ जाएगा, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ये मेथड फॉलो करते हैं, क्या होता है जब दो संख्याओं का गुना हो और वो करनी के अंदर हो इसका मतलब दोनों संख्याओं के करनी के अंदर वही संख्या है, समझ में आया, ठीक है, तीन नंबर का नियम देखेंगे इसमें, तीन नंबर का नियम कहता है कि इसी तरीके से जब दो संख्याएं भाग में हो, भाग में कैसा, या तो ऐसी हो सकती है ए भाग में बी, या फिर इसी को ए बटे बी लिख सकते हो, दोनों की लिखने का तरीका अलग अलग है, मेथड एक ही है, समझ में आया, इसका मतलब भाग होता है और इसका मतलब भी क्या होता है भाग होता है, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट में ए अपॉन में अंडर रूट बी, समझ में आया, और इसको करने जाओगे तो इसके अंदर भाग डालना है, क्लियर हो बच्चो, कोई लोचा, ठीक है, अगला देखो चार नंबर का, देखो चार नंबर का अगर बच्चों देखेंगे, अगर करनी के अंदर करनी दी गई है, करनी के अंदर करनी दी गई है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों पता है, ये करनी का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना होगा दो, कितना होगा दो होगा, तो मतलब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू दो है और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू दो है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी ए की वो हो जाएगी टू इंटू में टू, यहाँ पे करने का मल्टीप्लाई होता है,
क्या होता है बच्चों, करनी का मल्टीप्लाई होता है। समझ में आए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, चार आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चौथा मूल आएगा, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ ए। तो ये ऐसा लिख सकते हो ए, बराबर बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो इसको पटक से देखो, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों पता है, यहाँ पे ना इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे लिखा है m और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा क्या पता है, यहाँ पे तीन गुना में दो गुना में चार, समझ में आया, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहां पे कितना होता है दो, अगर वैल्यू लिखी है तो उसकी कोटिंग वही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा तीन दूनी छह चौक चौबीस, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 अंडर रूट में कितना, अभी समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब इसमें लास्ट वाला नियम बच्चों देखेंगे, लास्ट वाला नियम यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई संख्या लिखी है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए, इसकी पावर कितनी है एक है, ए की पावर कितनी है एक है, यहाँ पे पावर हो या ना हो, ठीक है, एक पावर रहती है, अगर पावर दी गई है, समझ के चलो इसकी पावर दी है एम, इसकी पावर दी है एम, तो बच्चों इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो पता है, इसको ना ऐसे करके ए, मतलब ये पूरे का पावर भी वही संख्या होती है, पूरे का पावर भी वही संख्या होती है, ये पावर उठा के आप पूरे संख्या के ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है बच्चों पता है, ये आपका जो सवाल होगा, सवाल ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा ए की पावर एम, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए की पावर एम। समझ में आया, ये देखो यहाँ पे पावर लिखी थी ए की, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के पूरे की पावर कर दी, यही वाला उठा के यहाँ पे लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाली संख्या आ जाएगी। समझ में आया, मतलब अगर किसी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर लिखी है, जो भी पावर होगी वो पूरे की पावर होती है, ये बात ध्यान रखो। इसके बेस पे सारे नियम घातांक करने के खत्म हुए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल, स्टार्ट करें। ठीक है, सवाल नंबर एक देखेंगे, सवाल नंबर एक, 1000 की पावर 1/3 दी है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, कैसे निकाला भाई, देखो मैंने क्या बताया था, जो ये होती है बच्चों, ये ऊपर वाली इसकी पावर होती है, और जो बटे में संख्या आती है वो इनडायरेक्टली रूट की पावर होती है, किसकी, रूट की पावर होती है। यहाँ पे तीन दिया, इसका मतलब घनमूल, दो होगा तो वर्गमूल, चार होगा तो चौथा मूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे तीन और यहाँ पे 1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका, 10। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से इतने इजी सवाल आते हैं, मतलब आपको समझ में आया तो कर पाओगे, नहीं समझ में आया तो जमेगा ही नहीं। बोलोगे तो इसकी पावर 1/3 कैसे निकाली है, सर्वोच्च हो जाता है वो। समझ में आया? सवाल नंबर दो लिखेंगे, बताओ इसका आंसर, कितना जाएगा, सबको समझ में आया बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो लिख रहा है, मतलब ये अंडर रूट है, क्या है, अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा ये, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। सर्दी बेटा तिरपाल स्क्वायर का है, देखो यहाँ पे तीन नंबर का सवाल दिया गया है, क्या हुआ, जाने दो, तीन नंबर का सवाल दिया गया है, अंडर रूट के अंदर दिया है 8, और इसकी पावर दी है 1/3, बराबर क्या होगा, दो, गलत हो गया बेटा, चलो करो। देखो नियम ध्यान रखेंगे, पहले सबसे पहली बात, अंडर रूट टू दिया है, अंडर रूट को टू को अगर पावर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बता दो, अंडर थ्री, 1/2, 8 का पावर, इसको बच्चों जो सॉल्व करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, 8 का पावर हो जाएगा 1/2। अपन ने क्या किया, ये अंडर रूट को हटाया, याद है क्या घातांक का पहला नियम, अंडर रूट टू की पावर क्या होती है कि 1/2 घातांक में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे
इसकी पावर दी गई एक बटे में तीन। इतना समझ में आया बच्चों? अब क्या करेंगे, जब पावर का पावर होता है ब्रैकेट के बाद, तब इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इतना समझ में आएगा? मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पे हो जाएगा आठ की पावर एक बटे में दो और गुना में एक बटे में तीन। इतना समझ में आया? ठीक है। इसके बाद ये बताओ जो आठ लिखा है वो किसका घन है? दो का। लिख सकते हो? तो यहाँ पे लिखेंगे इसको आठ, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे दो का घन, बराबर है। और इसका ऑलरेडी पावर लिखा हुआ है एक बटे में दो गुना में एक बटे में तीन। अब यहाँ पे कुछ कट जाएगा क्या बच्चों? क्या कट जाएगा? तीन तीन कट जाएगा। देखो ये तीन और ये तीन खत्म हो गया, बचा क्या? दो की पावर एक बटे दो। और एक बटे दो का मतलब क्या होता है? करनी आती है। क्या आती है? तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर टू। ना इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व देखो दूसरे तरीके से, देखो इसको देखो यहाँ पे बच्चों क्या देखेंगे, एक नियम आपको याद है क्या? इसके पहले अपन ने बात देख ले यहाँ पे, डांट मत सुनना का काम करो, जो पढ़ाता हो तो याद रहता है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक इसके पहले बताया था, अगर कोई सवाल ऐसे लिखा हुआ है इसकी पावर यहाँ पे है तो इसको आप कैसे लिख रहे थे? अंडर रूट के अंदर ए की पावर एम, बराबर है क्या? अगर इसमें होगा तो इसमें लिख पाओगे, है ना। तो इस सवाल को ऐसे भी तो लिख सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पावर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये अंडर रूट के अंदर लिखा है आठ, ठीक है। जो ये बाहर पावर थी इसके ऊपर भी तो आ जाएगी, ये सुनो आ सकती है क्या? अब एक बटे तीन किसी की पावर, इसका मतलब होता है घनमूल, ये सुनो। आठ का घनमूल क्या होता है? दो। और ये जो अंडर रूट है जैसे का तैसा, यहाँ पे दो आ गया। देखो आंसर समझ में आया? देखो बच्चों सवाल लिखा है माइनस चार बटे पांच, माइनस चार बटे में पांच का घन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। चलो निकालो, देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, माइनस चार बटे पांच की क्या करना है? घन निकालना है। क्या निकालना है? घन। बच्चों देखो यहाँ पे जब पावर माइनस में होगी तब उसको हम लोग व्यस्त करते हैं। यहाँ पे पावर माइनस में है क्या? नहीं। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बोला कि माइनस दो का वर्ग, तो इसका आंसर आप लिखते हो चार, माइनस दो का घन लिखेंगे तो इसका आएगा माइनस आठ आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा? तीन बार। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ना घन दिया मतलब माइनस का मल्टीप्लाई तीन बार होगा तो ये माइनस सात में रह जाएगा। चार का घन कितना होता है? चौसठ बटे में सौ पच्चीस। ये लिखो माइनस चौसठ बटे एक सौ पच्चीस, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप चौसठ बटे माइनस एक सौ पच्चीस ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी को आप माइनस चौसठ बटे एक सौ पच्चीस ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों कंडीशन में इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सवाल में क्या, जो इसकी पावर दी गई है वो किसमें है? माइनस में। किसमें बच्चों? माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए जो आपका बेस होता है, आधार होता है, उसको व्यस्त करते हैं। ये सुनो, तो ये क्या हो जाएगा? 169 अपॉन में कितना? 81 की पावर हो जाएगी एक बटे में दो। एक बटे दो की पावर का मतलब उसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 और 81 का 9, इसका आंसर हो जाएगा 13 बटे में 9। चलो लिख लो यहाँ पे ज्यादा बच्चों। देखो ये जो सवाल लिखा है ना बहुत इजी है। सबसे पहले बात, अगर आधार आपका माइनस में हो प्लस में से कुछ लेना देना होता नहीं। अगर घातांक माइनस में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्लस बनाएंगे। क्या करेंगे? प्लस। अब ये माइनस एक बटे सत्ताईस लिखा है और इसको क्या करना है? प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए क्या बोला था? जो आधार था उसको व्यस्त कर, तो मतलब माइनस एक बटे सत्ताईस है तो ये क्या हो जाएगा? सत्ताईस बटे में एक, माइनस में ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये करेंगे माइनस सत्ताईस बटे एक लिखो या सिर्फ सत्ताईस लिखो चलता है, बराबर है कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? दो बटे में, बराबर है क्या बच्चों?
इतना समझ में आया, जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। 27 किसी का घन होता है क्या? हाँ। इसका माइनस तीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तीन, और उसका पावर ऑलरेडी दिया था तो वो मल्टीप्लाई में आता है, दो बटे में तीन। कितना समझ में आया? अब क्या होगा, ये और तीन, ये तीन खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तीन का वर्ग। तीन का वर्ग कितना है? इसका आंसर क्या जाएगा? आप समझ में आ सकते हो? याद कर दो, यहाँ पे एक बटे 216 पावर माइनस में, पावर प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको व्यस्त, मतलब ये हो गया 216 की पावर हो जाएगी दो बटे में तीन। अब जो नीचे रहती है वो क्या रहती है, घनमूल रहता है, इतना पता है ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ना इसका घनमूल करेंगे और उसकी पावर कितनी डाल देंगे, दो। ऊपर वाली पावर रहती है, आप यहाँ पे पावर रखो या इसके अंदर पावर रखो कुछ फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे डिवाइड दिया गया है, इसको भी क्या करेंगे, माइनस दिया है, प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब ये बचेगा 27। जो नीचे है उसका मतलब होता है घनमूल, और जो ऊपर बचा है उसकी पावर आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, चार। इतना समझ में आ बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आगे क्या करेंगे, 216 का घनमूल कितना होता है, छः का वर्ग दिया गया, बराबर है, यहाँ पे भाग दिया गया है, यहाँ पे 27 का घनमूल क्या होता है, पावर कितनी दी गई है, चार। इतना समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है? अब 6 का वर्ग कितना होता है, 36, या फिर 6 गुना में 6 लिख सकते हो, ये सुनो, बराबर है, सवाल समझो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भाग है इसको बटे में डाल सकते हो क्या? डाल सकते हो, ठीक है। तीन का पावर चार, इसका मतलब तीन का गुना कितने बार करना है, चार बार। इतना समझ आया? अब क्या करेंगे, कट कर लो, जो कट करता होगा, तो तीन एकम तीन, तीन दुनी छः, तीन एकम तीन, तीन दुनी छः, तो क्या बचा, दो दुनी चार, और नीचे क्या बचा, नौ, चार बटे नौ का आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? इतना इजी है। चलो।